आज बीबी ने बाबा कपड़े शपड़े पहन रखे हैं। अब ये देखें यार, ये बनाने से वो अपना ब्रेड बनाने लगे हैं। ये देखिए, ये अंदर से निकाल रही है, देखें इनके स्माइल माशाल्लाह। अभी इसने मुझे भी शराब डाल के दे दिया भाई बोतल में। यो 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 यार देखो यार, ये टाइगर की खाल है भाई। जैसे ये इनके लोकल बर्तन रहे, ये देखें। बहुत आरामी जो भी नशा होता है ना, मुझे बोलता है ये गुड मेडिसिन है मलेरिया के लिए, तुम ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी अरबा मेसा में। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे होटल था ना हमारा भाई, सारी रात कभी छत पे कभी दरवाजे पे जानवर आके लगते थे। अब आपको यकीन नहीं आएगा, अभी भी ये देखो सेम बबून बैठे हुए हैं। ये देखें जी, एक वो ऊपर बबून चढ़ के बैठा हुआ, दो बंदर, वो बबून एक नस्ल है बंदर की, दो वो रहे, एक ये साइड पे, ये नीचे बैठा हो, एक ये ऊपर भी बैठा हो, ये ऊपर वो बड़ जो बड़ा है ना ऊपर चढ़ के बैठा हुआ। ये देखें उधर आपके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे रात को इधर ही थे भाई। Is it safe for me without tour guide if I want to go alone? Is it safe? Yes. Yes. I'm not from India. Yes. India. I'm from Pakistan. You know? You? No. I'm from Pakistan. You know Pakistan? Yes. Oh, I'm from Pakistan. Yeah. Wow. Oh, wow. Wow. यहाँ पे ज्यादातर लोग इंडियन समझते हैं भाई अबे। English, no, India. India yeah. Here. Yeah. Arbamench. There is lots of Indian. Oh, India. Oh. So campus. Ah. Teacher. Oh, okay. It's India. Oh. So I'm this room cleaning. Mm-hmm. So chapati working. Uh-huh. So another why? You know how to make chapati? You know how to make chapati? Yes. Ah. Love, भाई वो बोलती यहाँ पे Indian teacher रहे हैं, तो मैं room cleaning करती ना, तो मैं उनके लिए चपाती बनाती थी। बेचारे की इंग्लिश मेरे जैसी है, कोई नहीं, खैर गुजारा हो जाता। You are so good. या असली बड़ी बेचारी मेरे तरह भाई। अभी सामान उठा लिया हमने और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, सीधा टैक्सी पकड़ेंगे। टूर गाइड से हमारी बात हो गई है, तो टैक्सी लेके उसके पास जाएंगे, उसको फिर साथ लेंगे और आगे मेन जो डेस्टिनेशन है हमारा उसकी तरफ चलेंगे। ये जो इलाका है ना, ये सेंट्रल सिटी से थोड़ा हट के है, और ये जो सिटी है ये कीनिया वाली बॉर्डर वाली साइड पे, यानी जैसे बॉर्डर इलाके पे सिटीज होते हैं उस तरह समझ लें। यहाँ से आगे हमें जिंका जाना, लेकिन पहले थोड़ा इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे क्रोकोडाइल मार्केट जो है आपको दिखाएंगे। अदीस अबाबा में तो काफी सर्दी थी, उसके बाद जो हवासा सिटी था वो भी सर्द था, सोडो भी सर्द था, लेकिन ये जो है अरबा मिंच ये उतना सर्द नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल धूप निकलो जिस तरह लाहौर में टेम्परेचर होता है उस तरह समझ लें गर्मियों में। जबकि रात को जब रात 2-3 बजे ना, तब सर्दी लगने लग गई थी, ऊपर कंबल करनी पड़ी, इस तरह का सीन था। लेकिन हवा यहाँ पे फिर भी ठंडी चली हुई है। अभी थोड़ा आउट निकलते हैं, फिर कोई रिक्शा वगैरह पकड़ते हैं यहाँ से, कंस्ट्रक्शन का काम। और ये अफ्रीकन बच्चे और ये बीबी बाहर निकली हुई, एक रिक्शा आ रहा है लेकिन उसने रोका ही नहीं हमें बिठाने के लिए। कोई नहीं, आगे वो रिक्शा खड़े हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कोई ना कोई मुनासिब मिल जाएगा, वरना यहाँ से इजीली बाइक भी करवा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये पीछे बीबी कॉफ़ी बना रही है, वो बोल रही है आ जाओ पी लो। ये देखो खेलने के लिए रखा हुआ यहाँ, वो भी सामने बीबी कॉफ़ी बना रही है। यहाँ पे कॉफ़ी सुबह सुबह लोग आते पीते हैं भाई। ये स्नेकर या स्नोकर क्या बोलते हैं इसको, वो खेल रहे हैं। बाइक से इन लोगों ने अच्छी रखी है भाई। आर यू मैन इंग्लिश इंग्लिश I'm from Pakistan. Pakistan? Yeah, yeah. I said I understand language. I you I love speaking. I you know Hindi. तुम हिंदी जानते हैं? ओ जानता हूँ। किधर से सीखा है? वो किधर से? Okay man, nice to meet you. Okay man, how are you? Good. Hello man. Very much. हसमुख लोग हैं भाई, उसने खुद बुलाया इधर आओ। ये भाई वही है यार जो रात को मैं गाड़ी लेके आया था, ठीक है? भाई इसने हमें ढूंढ पता नहीं कैसे लिया यार, मुझे समझ नहीं आती। रात को भी यही आया था, अभी आज भी आ गया अपनी गाड़ी लेके। वो देखो वो व्हाइट कलर की उसकी गाड़ी खड़ी है। लाइक गिव मी फ्यू टाइम्स, लाइक फ्यू टाइम्स टुमारो और मे बी टुडे, टुडे विल इन्फॉर्म यू। भाई ये बंदा जो पीछे खड़ा था टूर गाइड गाड़ी लेके आया, वो 1,20,000 बेर मांग रहा था, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 6 लाख रुपए बनता है, यानी कि 6 लाख रुपए हमसे मांग रहा था भाई 5 दिन के टूर का। एक दिन के टूर का 1,20,000 रुपए बनता है, ये बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। एक और टूर गाइड हमने करवाया है, ठीक है? अब उसके पास जा रहे हैं, सामने रागंजा हमारा भाई है यार ये शहजादा। अभी यहाँ से नाश्ता करते हैं,
अरे कम हेयर ऑन दिस वे। फिर जो है ना डोजी विलेज की तरफ घूमने के लिए जाएंगे, अभी यहाँ पे स्टे करते हैं थोड़ा। नो प्रॉब्लम, वेयर यू वांट, इज दिस एक्सपेंसिव? नो, ओके। विलेज यू कैन, इस बंदे के साथ बात कर रहे हैं ग्रुप के लिए, और ये बीबी पीछे खड़ी होकर हंस रही है। हैमर, फ्यू हैमर्स बिफोर जिंका। ये हस्ती बहुत है यार, पता नहीं क्या है। You know, we need to start from the lower part of a mobile. भैया ने इस बंदे ने ना $1700 हमसे मांग ली। खैर अभी नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, वही करते हैं यार, अब क्या बनेगा, कुछ नहीं यार। Okay, I will inform you. खैर नाज़रीन अभी ब्रेकफास्ट आया नहीं, लेकिन ये बेबी आ गई है जो कल आई थी, शायद आपको याद हो। अब गाड़ी में हम उतरे थे ना जी, तो हमारे साथ ही है। आज बेबी ने वाह कपड़े शपड़े पहन रखे जी। ये उसकी सिस्टर भी है। हेलो, ठीक है। तो ये दोनों जी आज आ गए हैं, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे आगे दरोजी विलेज की तरफ। भाई बीबियों ने हमारे खाते से जूस तो मंगवा ली और वो आ गए हैं, अभी पीने लगी हैं। ठीक है, हम लोग अभी अपने बर्गर का वेट कर रहे हैं। नो नो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आफ्टर दैट आई विल ईट बर्गर। या बर्गर एंड टी आल्सो, कॉफी कॉफी या कॉफी। वो बोली ठीक है आप भी पी लो। मैंने कहा नहीं यार आप ही पियो, खैर है, पता नहीं क्या चीज़ होगी क्या नहीं, अब आना शुरू हो जाए हम लोग। खैर फाइनली हमारे बर्गर आ गए हैं जी, चेक करें। ईद बर्गर अंडे वाला बर्गर ले जी, हमारी चाय आ गई है। बीबियों ने बस आधा आधा जूस पी और बाकी इधर ही रख दी। यार सही फंस गए यार, लड़की अब जा नहीं रही, वो हमारे पीछे ये जान नहीं छोड़ रही। हमने उनको कहा भी हमने विलेज में जाना है, आप जाओ। वो कहती कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। मैंने कहा हमने वहाँ पे रात ठहरना। वो कोई बात नहीं, हम कहती हम अकेली आ जाएंगे वापस। यार अब क्या करें, इनसे जान कैसे छुड़वाएं भाई, कुछ समझ नहीं आ रही। यार जान छुटी लाखों पाए, और लड़कियों से बड़ी मुश्किल से जान छुटी है भाई। अभी वो ट्रांसलेटर को बोल शोल के ना उनसे जान छुड़ाई कि मेहरबानी करो जाओ यार। तो अब वो चली गई है लड़कियां। यार कैसे लोग चिचड़ की तरह चिपक जाते हैं यहाँ पे लोग। अभी यहाँ पे सीन ही है भाई कि टूर गाइड के साथ हम जा रहे हैं दोजी विलेज की तरफ। दोजी विलेज में वो पुराने ट्राइब है भाई, तेरी चीज वहाँ पे क्रोकोडाइल मार्केट भी, वो भी सब आपको दिखाएंगे। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कोई बात पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पे हाजिर है। पाकिस्तान तो वही दो से नमस्ते, वही से सलाम। ओके नाइस टू मीट यू भाई। लड़की है मैं आके छेड़ने लगी, वो समझ रही थी लड़कियां कि मैं इंडियन हूं, इसलिए बोल रही थी नमस्ते। मैंने कहा मैं इंडियन नहीं पाकिस्तानी हूं, इसलिए सलाम कहो। हेलो बाय। ये बस स्टेशन है भाई, सामने बस अड्डे पे हम लोग आ गए भाई। यहां से अभी डोजो विलेज की बस पकड़नी है। यस मैन, हाउ आर यू? गुड। तो तूने करना छोड़ दिया। हां टेंशन आ ये था ये ना। हेलो मैन, नाइस टू मीट यू। यस नाइस टू मीट यू मैन। गुड, गिव मी माय 2 मिनट। या गिव मी 2 मिनट money. Yes, this man here, he's my man. How are you? Very fine. Welcome. From where? Hello bro. Time, yeah. ये इनका कल्चर है भाई, हाथ पकड़ के कंधे मिलाते हैं तीन दफा। ये बस है भाई, इसमें बैठने लगे। सीट आर अवेलेबल इनसाइड? ओके आई एम कमिंग। हेलो भाई साहब, क्या बात है? वॉल्यूम अंदर तेरे ले थे पहुंचे हैं जी गाड़ी में बैठ के हम लोग। शुक्र है यार लड़कियों से हमारी जान छूट गई भाई, मुझे तो इतनी टेंशन लगी हुई थी कि इनसे जान कैसे छूटेगी। ये देखें भाई ऑफ रोड हम जा रहे हैं, और ये देखें केले और आम और इस तरह की चीजें ये गांव वाली औरतें बेचने आ गई हैं। ये सारा गांव है भाई, कच्चा इलाका है जी। ये आगे पहाड़ है जी, पहाड़ों के दरमियान में ये आबादी है। पे चढ़ रहे हैं, सारा टूटा हुआ कच्चा इलाका है, साइडों पे भाई आबादियां हैं और सामने शहर भी नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत नदी भी है। ये सारा अप हिल का इलाका यानी चढ़ाई वाला, जैसे पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा नॉर्दर्न पाकिस्तान में जाए तो वहाँ पे कुछ जीपें लेनी पड़ती है। ये बिल्कुल जीपों वाला रूट है, लेकिन भाई 18 गाड़ी उन्होंने चला दी है, कोई मसला नहीं, ठोक के रखो। शहर में जो कि सख्ती होती है इसलिए ये ना डबल ज्यादा लोग नहीं बिठाते, लेकिन यहाँ पे गाँव में ना इतना को ट्रैफिक वाले नहीं होते। हाँ पीछे एक लेडी खड़ी थी लेकिन उसने को खास तवज्जो नहीं दी, इसलिए ना इन्होंने डबल लोग चढ़ा लिए, यानी लोग खड़े भी हैं। वरना यहाँ पे ये लोगों को खड़ा करना बगैर सीट के ये इलीगल है भाई, ये नहीं कर सकते, चलान हो जाता फौरन। दोरजे विलेज में फाइनली हम पहुँच आए हैं जी। ये आपको कच्चे घर बने हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये हैं सारे जंगल में, और वो भी आप हील वाले इलाके में। यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है भाई, बाहर निकलते हैं तो आपको इलाका सारा दिखाते हैं। नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच मैन। Hello man, nice to meet you. How are you? Hello. How are you? Good?
Is everything good? Yeah. Welcome. Thank you. ये जी दोरजे विलेज, यहाँ पे हम फाइनली पहुंच आए हैं जी। इस तरह के इन्होंने कच्चे इलाके बना रखे हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। बाकी अभी प्रॉपर चल के इनसाइड जो है ना वो आपको दिखाएंगे, यहाँ से लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन कुछ खास मकदार में नहीं है यहाँ पे। ये देखिए जी केले के बागात रहे यहाँ पे। फाइनली जब हम दोरजे विलेज में पहुंच आए, ये मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ। ये देखें भाई ये दोरजे विलेज, नो प्रॉब्लम फॉर वीडियो। लुक नाजरीन, ये देखिए सारा चमड़े से बना हुआ है भाई। ये देखें ये सब चमड़े से इन्होंने बनाया है, ठीक है भाई। ये जी इनका ट्रेडिशनल निज़ाम, यहाँ पे ये औरतें इनकी, और इससे ये हमें डांस करके दिखाएंगे भाई। ये जो चीज़ है ना इसको ये बजाएंगे भाई, देखना मज़ा आएगा अभी अफ्रीकाने का। ये चमड़े का है भाई, आई थिंक चमड़े का है। हाँ ये चमड़े का है। हेलो आर यू? सो द पॉपुलेशन ऑफ द डोरजे About 50,000 people. 50,000. They are popularly known in the world. Okay. So the Dorze people, they live in the high mountain of the 2,500. Okay. So they are a warrior. Okay. Dorze people warrior. When you see their house, elephant shape. Yeah, elephant. Because elephants long time ago used to live around here. Oh. So that's why. Okay. Okay. Yeah. Yeah. This is. Not banana. Okay. This is false banana. False banana. There is two type of banana. Okay. True banana and false banana. Okay. So from false banana, they cut the stem. Okay. This one, you will see the preparation. Okay. They are very well known in the world by weaving. Okay. So this is their flag, flag of Dorze. Okay. And also their culture. Mm-hmm. This is a tiger. Yeah, tiger. Yeah. Oh my God! This is tiger. यार देखो यार ये टाइगर की खाल है भाई। So they kill a tiger. देखें भाई मैंने टाइगर की खाल पहन रखी है भाई, जिसको आप हाथ लगाने से डरते हो। चेक करो। अभी देखें ये इस गोपे के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये इसके इंटीरियर साइड है भाई। So this is the honey hive. Okay, honey hive. Okay, this is a drum for music. Drum for okay music. For music. Okay. Okay, यहाँ पे ये जानवरों का भाई ये सारा खाता है झोपड़ी के अंदर। This is a calabash. They drink cultural drink. Okay, in this. Yeah. इसको ये घड़े या बर्तन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं यार यहाँ पे ना। This is a music instrument. Oh, musical instrument. Okay, okay, right. यहाँ पे husband and wives होते हैं भाई, ये देखें जरा। Okay, यहाँ पे cooking करते हैं। Good, good, good. Okay. Got it. बीबी आ गई है यहाँ पे, बीबी आ गई, ये कुकिंग करने लगेगी, शुरू हो जाएगी। ये कंघी करने के लिए बालों में भाई ये इस्तेमाल करते हैं इसको। जबरदस्त भाई क्या बात है। ये देखें ऊपर खाले पड़ी, ये चीजें इनकी भाई सारी लटकी हुई छोटी छोटी इधर। ओके ठीक है, यहाँ पे खाने पीने की चीजें, और यहाँ पे ये बच्चों के सोने के लिए होगा भाई। ठीक है जबरदस्त। ये बीबी जो है अभी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, आग जला रही है आँच। कॉटन वीविंग। ओके 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 फाइन फाइन। कल्चरल से इस कॉटेज का जो मैंने आपको दिखाया इंटीरियर। नाउ दिस मदर्स दे मेक अ म्यूजिक। ओके देन दे आर सिंगर्स। भैया अभी ये और कुछ भी दिखाने वाला है हमें। ही इज प्रिपेयरिंग अ फॉल्स बनाना। फॉल्स बनाना। अभी ये देखें यार ये बनाने से वो अपना ब्रेड बनाने लगे हैं केला से। जबरदस्त। ये देखें ये बनाना से अपना ब्रेड बनाने लगे भाई। अफ्रीका के ये ट्राइब है ठीक है, और इसको आगे 6 महीने के लिए जमीन में दफना देंगे, और इससे फिर आगे जो है ना वो ब्रेड बनाएंगे। से बना रही ये अब इसको जमीन के अंदर दफनाएगी। ये जो उसने खाल के ऊपर से जो बुरा सा निकाला है ना, ये देखो ये है वो, इसको जमीन के अंदर दफनाएगी भाई। ये देखिए ये अंदर से निकाल रही है, निकाल के ना भाई अब इसके ये पीसेस बना रही छोटे छोटे। 6 महीने बाद ये तैयार होता है भाई, चेक करें। अब इसने एक पत्ते को उठा लिया जी, और पत्ते को धोने के बाद उसके ऊपर ये जो ये आटे नुमा जो उसने बनाया था ना, ये उसके ऊपर लगा रही है भाई। ये देखें उसने उसके ऊपर भी एक लेयर चढ़ा दी है। ओके गो गो। अब उसको ये ले जा रही है, ले जाने के बाद मेरे ख्याल में आग के ऊपर रख देगी। ठीक है ये देखना तवे के ऊपर इसने रख दिया, ये नीचे आग जला रहे हैं ताकि ये ब्रेड बन जाए भाई। क्या जबरदस्त तरीका। हमारे यहाँ तो घी वगैरह लगाते हैं ना, घी नहीं बस ये पत्ते को यूज करते हैं। ये देखिए रोटी बनाने का तरीका भाई। ये औरतें जो है ना ये धागे से बना रही हैं, रुई से धागा बना रही हैं, और धागे से फिर आगे कपड़ा बनाएंगी। ये देखिए ढोल रहा है इनका, यहाँ इस तरह की ढोल की आवाज है भाई। ठीक है ये पीछे सारी मेरी बीबियां रही। तो अभी इनके मैं आपको घर भी दिखाता हूँ, और ये जो इन्होंने ट्रेडिशनल कपड़ा बनाया वो भी दिखाता हूँ। देखें इनके स्माइल माशाल्लाह। ठीक है बहुत ही अच्छे लोग हैं यार यहाँ के।
इस तरह की जी ये रोटी बन गई है फाइनली, आप देख सकते हैं जी। ठीक है, इस तरह का उसने कलर ले लिया है क्योंकि बीबी ने आयल तो लगाया नहीं है। खैर, बाकी औरतें घर वाली जो वो बेहतर जानते हैं कि ये रोटी वगैरह कैसे बनते हैं। ये देखें जी, इनके ये ट्रेडिशनल हैट हैं, यानी टोपियां वगैरह जो इन्होंने हाथ से बनाई हुई हैं, उसी तरह ही सेम बनाई हैं जिस तरह वो बीबी धागा बना रही है। लेकिन उनके स्माइल देखें यार, बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसे यार रस्सियाँ बना के ना उससे आगे ये मजीद ये उसको बुनते हैं धागे के साथ सारा। ये देखिए सारा कपड़ा बना रहे हैं उसको, फिर इस तरह का ये कपड़ा बन जाता है भाई। ये इन्होंने रुमाल बना रखे हैं भाई, रुमाल बनाने के बाद ये देखिए चादरें बना रखी हैं भाई। कितने मेहनत करने वाले ये लोग हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, कोई मशीनरी नहीं, सब हैंडमेड काम है। लेकिन मेहनत दरकार है, मेहनत यहाँ पे होती है, और जैसे जैसे ये मेहनत करते हैं मेहनत रंग ले आती है भाई इन लोगों की। अब आपने बीबी का म्यूजिक तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने हमारे लिए रोटी तैयार की, ब्रेड जो है ना यॉर्बिसन लगा रखा है भाई उन्होंने यहाँ। और ये देखें एक छोटा सा रेस्टोरेंट है भाई। This is a beer, yeah. Local beer. This is not actually the restaurant. Okay. It's after you visit the okay. village. Okay. Is a prepare a food, already prepared the food. Okay. And they have cultural drinks. This is beer. This is a beer. Okay. It's like vodka. वोडका? Wow. ये वोडका रहा जी, लेकिन इट्स आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर मी, है ना? इट्स मेडिसिन। मेडिसिन टाइप? या फॉर फॉर मलेरिया। ओके, फॉर मलेरिया। एंड इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन स्टमक, ओके, इट किल्स। पता नहीं पीना चाहिए कि नहीं। इट्स लाइक ड्रिंक अल्कोहल। इट्स अल्कोहल। इट्स लोकल अल्कोहल। लोकल अल्कोहल, हां। या मेड फ्रॉम मेज। हो। एंड हॉप्स। ओके, तो ये लोकल अल्कोहल है भाई। अभी मेरे ख्याल में अल्कोहल तो हराम है ना, हम नहीं पी सकते यार, इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये देखें जी, इनका लोकल अल्कोहल है जी इस टाइप का, ठीक है। और ये उन्होंने जी ना वो रोटी जो मैं आपको दिखाई थी बना रही थी, ये वो रोटी उन्होंने बनाई है हमारे खाने के लिए, और उसके साथ ये कुछ चटनी सी उसने बना के ले आई है। अब दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं कि ये कैसी होगी। ओके, हियर इज हनी। ओके, हियर इट इज चिली। ओके, चिली। एंड दिस इज अ फॉल्स बनाना। ओह, drink, okay, because it's a culture, yeah, this the food is okay. A false banana, okay, false Africa. अभी जो बनाना के साथ इन्होंने रोटी बनाई है ना वो ये रही। अभी हम ये हनी के साथ ट्राई करने लगे, शहद के साथ, यानी शहद के अंदर मक्खियां हैं भाई, ठीक है। लेकिन लेट्स ट्राई, ये देखें भाई, ठीक है यार, इट्स गुड। यस भाई, अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ खरीद भी सकते हैं, जैसे ये इनके लोकल बर्तन रहे। ये देखें, एक पौधा है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं, उससे काट के उन्होंने बनाए हुए। ये देखें, ये हुक्के टाइप है। तो मैं वोडका तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बिकॉज इट्स हराम इन इस्लाम, सो आई एम गोना ट्राई द वाटर। ये वाला पानी पी रहा हूँ भाई, इल्ज़ाम ना लगाइएगा कि मैंने वोडका पिया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, माफ़ करे, ज़िंदगी में कभी ना पीना पड़े यार। यहाँ पे भी यही सीन है कि जब लड़की की शादी करते हैं ना, तो उसके लिए प्रॉपर एक ड्रेस वगैरह और कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको कपड़े नजर आ रहे हैं ना, ये लोकल ट्राइब जो है ये वेडिंग में इस्तेमाल करता है, यानी जब अपनी लड़कियों की शादी करते हैं ये तब इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पे बड़े बड़े वही पौधे हैं, यहाँ पे ये अक्सर जलाते रहते हैं ना लकड़ियाँ वगैरह, ठीक है। ये मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये आलू वगैरह यहाँ पे काट काट के ना अंदर बनाते हैं। ये टूटी वगैरह भी लगी हुई है, मतलब इतना पुराना है, ये उतने पुराने तो नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशनल टाइप हैं इनका जो ट्राइब है भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, कोई बात पूछें इंस्टाग्राम पे हाजिर हूँ। और हाँ, एक मेरे छोटे भाई के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। ये ना मसला कर दें कि तुम इधर क्यों घुस रहे हो। अभी इसने मुझे भी शराब डाल के दे दिया भाई बोतल में, मेरे को जिंदगी में पहली दफ़ा शराब पकड़ी है भाई हाथ में, ठीक है। लेकिन पीने को दिल नहीं कर रहा यार। इट्स लोकल, हाँ, मेड फ्रॉम मेज। मेज इट्स गुड मेडिसिन फॉर स्टमक, इट्स नॉट हाई अल्कोहलिस्ट, बट लिटिल बिट अल्कोहल, लिटिल बिट अल्कोहल, लिटिल बिट अल्कोहल। सो व्हेन आई से यो 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 यो, यू से यो यो एंड देन ड्रिंक। ओके, या एंड देन इट्स लाइक शॉट। नहीं नहीं भाई, मैं भी शराब नहीं पी रहा, मैं भी शराब नहीं पीऊंगा। नो नो ब्रदर, आई एम नॉट गोना ड्रिंक। आई नो, यू जस्ट टेक अ सिप लिटिल, नॉट नो, बिकॉज़ इट्स अल्कोहल, बिकॉज़ इट्स अल्कोहल। आई नो, not drink, so just say with us. Okay, I will say, but not the drink. Okay. Yo 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 yo. Yeah.
शाबड़े भाई, मैंने उनके कल्चर में पार्टिसिपेट तो कर लिया यो कह के, लेकिन मैंने शराब पी नहीं, ये शराब मैंने वापस रख दिया भाई। जब इस्लाम ने मना किया ना, तो जो मर्जी कल्चर हो वो भाड़ में जाए, हमें इस्लाम से बढ़ कर कुछ भी नहीं है भाई। हम अपनी शराब को वहीं पे रख दिया हमने। विस्की की तरह ये सिपरेट वाला नहीं होता स्मेल, उस तरह शराब है ना भाई, तो उस तरह की स्मेल तो फिर होगी ना। लेकिन भाई रिफ्यूज कर दिया, नहीं पी, छोड़ दिया है। मैंने कहा नहीं पीनी तो नहीं पीनी, बात खत्म। शराब को रिफ्यूज कर दिया, अब ये ट्राइब नाराज होता है तो हो जाए, हम नहीं शराब पी रहे भाई, बात खत्म। बाकी आप कुछ चैनल को सब्सक्राइब अब तो करते हैं यार, अब तो करना बनता है यार, देख लो। अगर मुझे व्यूज लेने होते तो मैं शराब पी लेता, लेकिन नहीं। ये नाखून देखें भाई चीते के, कितने खतरनाक हैं भाई, ये देखो इस तरह के नाखून होते हैं उसके। No, I don't want it. It's like drug. No. This is not drug. ये खास is a good medicine for malaria. In everything you told, good medicine, good medicine. बहुत आरामी है ये बंदा, बहुत आरामी है। जो भी नशा होता है ना, मुझे बोलता है ये गुड मेडिसन है मलेरिया के लिए, तुम ले जाओ। बहुत आरामी। Even for corona. Even for corona. ये खात इसको बोलते हैं यार, ये बूटी है, एक ड्रग के तौर पे यहाँ पे यूज की जाती है। मैं तो इसको बिल्कुल नहीं टेस्ट करने वाला। तो भाई बात ये है कि यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं। अभी अंदर मुझे ये बेर वो जो वोडका था वो दे रहा था और कहता था कि पी लो। मैंने कहा यार ये शराब है, अल्कोहल, कहता नहीं थोड़ा बहुत है जो है ना ये गुड है मलेरिया के लिए। अभी यहाँ पे खात खा रहा था, मैंने इसको बोला कि यार ये तो ड्रग है, कहता नहीं ये इट्स अ गुड मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो यार ये बहुत आरामी बंदे भाई, नशे पे लगा रहे हैं सच्ची गंदे नशियां दी यारी बिल्कुल चंगी नहीं होती। पर यारी तो नहीं है तुम्हारा टूर गाइड। ये जो डांस का मांग रहे हमसे तकरीबन 7500 रुपए पाकिस्तानी, तो मैंने कहा डांस तो वैसे भी आराम होता है, आराम काम के लिए पैसे क्या देने, छोड़ो दफा करो यार। और एक चीज आपने देखी यहाँ पे कंधा मार के ना भाई होता है वो, इस तरह जैसे हमारे यहाँ जब भी डाल के मिलते हैं तो यहाँ पे हाथ पकड़ के ऐसे कंधा मारते हैं, चाहे लड़कियों से भी मिलना हो लड़कों से भी। तो वो हुआ ये ना कि वो लड़कियाँ आई, जो पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, जो गाड़ी में मिली थी हमें, वो सुबह सुबह आई ना, तो उसने ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ऐसे आगे कंधा किया, तो मैं कहा यार ये मेरे ऊपर गिरने लगी है, तो मैं जल्दी से पीछे हो गया, तो वो भी सीधी हो गई फिर कि नहीं यार इसको शायद पता नहीं इन चीज़ों का ना, मतलब लड़का लड़की भी मिलेगा तो कंधा मारेगा हमारे यहाँ, तो एक बार कंधा मार के देखो फिर तुमने जुतियाँ पौंदियाँ वेखे है तुम, ऐसा काम वहाँ पर नहीं करना। ये भी इनके रवायती लिबास है, ये भाई पहन के। क्या नाम क्या है? हाँ तुम हिंदी जानते हैं? मेरा नाम शबीर है, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नेम इमानुएल। इमानुएल? या तुमने हिंदी कहाँ से सीखा? I don't know. क्या ज़बान किधर से जानता है? I can speak a little. Oh, little. From where you learn it? Just I was started learning Indian when I was in university. Oh, you was university. Yeah. I'm mechanical engineer now. You are mechanical engineer. Yep. I've completed my basic degree in one of outstanding universities. And you live here? Yep. I'm serving as a local guide here in Dorje Eco Village. Oh, भाई यार ये मैकेनिकल इंजीनियर है, आप इसको ये ना समझे कि वेले हैं भाई, पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने अपनी रवायत को जिंदा रखा हुआ है। बाकी है ये मैकेनिकल इंजीनियर, उसको हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत यार। One half village, safe house, and this is here cabbage. They have a cabbage. Okay. And that is you see over there. Okay. Is sunflower. Okay. Yeah, I can see. And they have mostly they produce apple here. Apple here? Apple, yeah. Where is the apple you saw on the gates? Yeah. It's coming. Okay. They put here. Like okay, color. Tattoo, yeah, okay, okay, color. ये इसका कलर बनाते हैं भाई, देखें इसको कलर के लिए यूज करते हैं। देखें इसको एलिफेंट का उन्होंने दिया, देखो हाथी के जैसे नहीं बनाए होते उन्होंने किनारे, उस तरह का सीन है भाई। डेड ना पाड़ी खड़ा हो इस तरह नाजरीन ना, ऐसे ऐसे टांगे करके ना जी ये लड़ाई करते हैं। अभी ये जो सारा हमने ट्राइब देखा, अभी इनको पैसे भी तो देने हैं ना, तो हम 1800 बीर दे रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 6000 रुपये इनको पे करेंगे इस चीज़ का। 6000 अच्छी अमाउंट है यार, को फ्री में तो कुछ नहीं दिखाया ना उन्होंने। थैंक यू सो मच। खैर अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जी। खैर ये था हमारा आज का व्लॉग भाई, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।